ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट मेयर। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एक कंपीटिंग गाइडबुक है जो मैनिपुलेशन के पीछे की स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स और साइकोलॉजी पर प्रकाश डालती है। इस बुक का पर्पस लिसनर्स एंड रीडर्स को मैनिपुलेशन, इसके डिफरेंट टाइप्स और इसके मॉरल इम्प्लीकेशंस की व्यापक समझ प्रदान करना है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों की जांच करके और अंडरलाइन प्रिंसिपल्स में गहराई से जाकर यह पाठकों और सुनने वालों को मैनिपुलेशन की कला में मूल्यवान इंसाइट्स प्रदान करता है और उन्हें इसके जिम्मेदार और नैतिक उपयोग का गंभीर मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए जानते हैं अब बुक के लेखक के बारे में। रॉबर्ट मेयर एक फेमस लेखक हैं जो मनोविज्ञान, ह्यूमन बिहेवियर में अपनी स्पेशलिटी के लिए फेमस हैं। मैनिपुलेशन की पेचीदगियों की गहरी समझ के साथ मेयर ने एक्सपर्ट मैनिपुलेटर्स द्वारा नियोजित टेक्निक्स को जानने के लिए अपना करियर डेडिकेट कर दिया है। मेयर के कार्यों को उनकी प्रैक्टिकलिटी, गहराई और ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट के लिए ज़्यादा जाना जाता है। वॉट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन विभिन्न मनोवैज्ञानिक तकनीकों और रणनीतियों के माध्यम से दूसरों पर प्रभाव डालने या कंट्रोल करने के अभ्यास को डिफाइन करता है। इसमें व्यक्तियों या समूहों के विचारों, व्यवहारों या निर्णयों को आकार देने के लिए प्रेरक स्ट्रेटजी, भावनात्मक मैनिपुलेशन और स्मॉल ट्रिक्स का उपयोग करना शामिल है। मैनिपुलेशन का उपयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्पस के लिए किया जा सकता है। साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन को दूसरों को प्रभावित करने या कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए चीट के रूप में डिफाइन किया है, आमतौर पर इस तरीके से जो किसी के पर्सनल बेनिफिट को सुविधाजनक बनाता है। मैनिपुलेशन को आमतौर पर सामाजिक प्रभाव का एक डिसऑनेस्ट रूप माना जाता है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मैनिपुलेशन। तो चलिए अब मैं आपको चैप्टर 1 के बारे में बताता हूँ। किताब मैनिपुलेशन को एक निश्चित तरीके से काम करने या सोचने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की कला के रूप में मैनिपुलेशन को परिभाषित करने से शुरू होती है। अक्सर भ्रामक या गुप्त रणनीति का उपयोग करके यह मैनिपुलेशन के पीछे के मनोविज्ञान को समझने के महत्व पर जोर देता है, ताकि यह पहचाना जा सके कि इसका उपयोग आपके खिलाफ कब किया जा रहा है और इसे नैतिक और जिम्मेदारी से उपयोग किया जा सके। यह चैप्टर मैनिपुलेशन की अवधारणा और इसके विभिन्न रूपों का परिचय देता है। यह प्रभावी ढंग से मैनिपुलेशन करने के लिए दूसरों की प्रेरणाओं और कमजोरियों को समझने के महत्व पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता हो सकता है, मतलब कि कोई दुकानदार, जो कस्टमर को ऐसी खरीदारी करने के लिए मनाने के लिए इंस्पिरेशनल टेक्निक्स और मनोवैज्ञानिक ट्रिगर का उपयोग करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। मतलब कि कई बार शॉपकीपर आपको वो चीज़ें भी बेच सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, और ये सब पॉसिबल है मैनिपुलेशन के द्वारा। चैप्टर 2 है बिल्डिंग रैपो एंड ट्रस्ट। यह चैप्टर सक्सेसफुल मैनिपुलेशन के मूलभूत पहलुओं के रूप में संबंध बनाने और विश्वास स्थापित करने की भूमिका की जांच करता है। इसमें जुड़ाव की भावना पैदा करने के लिए बॉडी लैंग्वेज को प्रतिबिंबित करके एक्टिवली सुनने और दूसरों के साथ सिंपैथी रखने जैसी टेक्निक्स का यूज किया गया है। एक उदाहरण, एक राजनेता हो सकता है जो अपने भाषणों को दर्शकों की चिंताओं और मूल्यों के साथ जोड़कर मतदाताओं से जुड़ता है। रैपो बनाने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है म्यूचुअल अटेंटिवनेस। दूसरा, आदमी क्या कह रहा है या क्या कर रहा है, इस पर आपका ध्यान केंद्रित है और आपकी इसमें रुचि होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पॉजिटिविटी। आप मिलनसार और खुश दोनों हैं और आप एक दूसरे के लिए देखभाल और चिंता दिखाते हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेशन। आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन महसूस करते हैं ताकि आप एक सामान्य समझ साझा कर सकें। आपकी एनर्जी का लेवल, आपका बोलने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज भी समान है। नेगोशिएशन सेल्स और मार्केटिंग के लिए लीडर्स का मेन कौशल है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक जो किसी बातचीत के नतीजे को प्रभावित कर सकता है, वह है आपके द्वारा अपने समकक्ष के साथ स्थापित किए गए तालमेल और विश्वास का स्तर।
तालमेल और विश्वास आपको सकारात्मक और सहयोगात्मक माहौल बनाने, दूसरे पक्ष की जरूरतों और हितों को समझने और रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अविश्वास की। ट्रस्ट कई मायने में यह वह ग्लू है जो रिश्तों को एक साथ जोड़कर रखता है, और जब आप अपनी बाधाओं को दूर करते हैं और भरोसा करना सीखते हैं तो यह आपको दूसरों के साथ प्रॉस्पर और मजबूत संबंध विकसित करने में हेल्प करता है। भरोसा जीतने के लिए कुछ पॉइंट इस तरह से हैं। सबसे पहले खुद पर भरोसा करें, खुलकर बोलें, खुलकर बातचीत करें, सुने और समझने का प्रयास करें। आजकल के जीवन में आपने देखा होगा, लोगों को बोलने का शौक तो है लेकिन वो किसी को सुनना नहीं चाहते। दूसरे की बात को पहले खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप बोलें और पूरी तरह से सुनें और समझें। ब्लेम गेम ना खेलें, ब्लेम गेम सबसे खतरनाक होता है। जब हम जानते हैं कि हमारी गलती है और तब भी हम उस गलती का दोषारोपण किसी दूसरे पर मर देते हैं तो यह आपकी एक खराब इमेज बनाता है और दूसरों में अविश्वास पैदा करता है। बात करने से पहले दूसरों का नाम जरूर जानें। जब आप किसी का नाम जान लेते हैं और तब बातचीत शुरू करते हैं और अगली बार उसी इंसान को आप उसके नाम से पुकारते हैं तो यह एक फ्रेंडली बिहेवियर दिखाता है और यह आप में एक ट्रस्ट जगाता है। मुस्कुरा कर बात करें, हर किसी को मुस्कुरा कर ही बात करनी चाहिए। एक दुखी चेहरा या एक नकारात्मक तरीके से बातचीत करने वाले को कोई पसंद नहीं करता। तो ये थे चैप्टर 2 के कुछ मेन पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 की, इमोशनल मैनिपुलेशन। वैसे तो मैनिपुलेशन काफी तरह का होता है लेकिन इमोशनल मैनिपुलेशन सबसे प्रमुख है। यह चैप्टर दूसरों के बिहेवियर को प्रभावित करने के लिए इमोशंस के मैनिपुलेशन पर केंद्रित है। यह अपराध बोध को कम करने, सिंपैथी और व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय या धमकी का उपयोग करने जैसी रणनीति की जांच करता है। उदाहरण के लिए, एक मिसबिहेव करने वाला पार्टनर रिश्ते में पावर और कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपने महत्वपूर्ण दूसरे को लगातार अपमानित करके और डर पैदा करके उनकी फीलिंग्स में मैनिपुलेशन कर सकता है। कई बार कुछ लोग आपको हर्ट करने के इरादे से कुछ बुरा बोल देते हैं और फिर कहते हैं ये तो सिर्फ मजाक था। ये भी इमोशनल मैनिपुलेशन का ही पार्ट है। आप इसके जवाब में बोल सकते हैं जैसे, आई डिडंट थिंक दैट वॉज फनी बिकॉज दैट टॉपिक इज ट्रिगरिंग टू मी। इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि यह एक मजाक था, इस टॉपिक से मुझे इरिटेशन हो रही है। अगर उस आदमी का इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था तो इस तरह के आई वर्ड का उपयोग करने से उन्हें समझने में मदद मिलेगी कि आपको उसकी चाल का पता चल गया है और वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक चालाक आदमी आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाकर आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराएगा, तो चाहे वह आपका वजन हो, इनकम हो, एजुकेशन हो या प्रेजेंस हो। यदि आप किसी चीज के बारे में इनसिक्योर महसूस करते हैं तो वे इसे समझ लेंगे और आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। यह एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का रूप भी ले सकता है, जैसे मुझे आज आपके बाल पसंद आए पर ये नॉर्मल से बेटर दिख रहे हैं। लेकिन इसमें अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो तारीफ है लेकिन इसमें एक डिसरेस्पेक्ट है। मैनिपुलेटर्स ने पहले तारीफ की और उसके बाद डिसरेस्पेक्ट किया। उसने कहा कि ये नॉर्मल से बेटर है और इस तरह से मैनिपुलेटर्स को डिसरेस्पेक्टेड पार्ट को डिनाई करने की एबिलिटी मिल जाती है। एक इसका पहलू है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग इमोशनल मैनिपुलेशन का एक रूप है जहां आदमी आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आप चीजों को गलत तरीके से कर रहे हैं या सिर्फ पागल हैं, ताकि आप किसी सिचुएशन के बारे में कैसा महसूस करते हैं वो ना जान सके। इसलिए अगर आप जानते हैं कि आपका पार्टनर पूरी रात आपके साथ रूड व्यवहार कर रहा था लेकिन वे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, आप जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या कि आप हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं, तो हो सकता है कि वे आपको परेशान कर रहे हों। लंबे समय तक गैसलाइटिंग से लोग अपनी सेंसेस और रियलिटी पर सवाल उठा सकते हैं क्योंकि उनके अनुभव लगातार एबनॉर्मल हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों के संबंधों में गैसलाइटिंग भी काफी आम है। इस सूची में बहुत सारे बिहेवियर NPD वाले लोगों का द्वारा
ईमानदारी से प्रेजेंट किए जा सकते हैं। मैनिपुलेशन का एक सामान्य रूप तब होता है जब एक मैनिपुलेटर आपके जीवन में दूसरे लोगों का उपयोग अपने सपोर्ट के लिए करता है। वो आपको आउटनंबर्ड और पावरलेस महसूस कराने की कोशिश करते हैं। आपको न केवल उनके बल्कि जिन लोगों के आप करीबी हैं, जैसे कि आपके दोस्त और परिवार के सदस्यों के खिलाफ खड़ा करके वे आपकी सपोर्ट सिस्टम को छीनने और खुद को बढ़त दिलाने की कोशिश भी करते हैं। एक ट्रिक को होम कोर्ट एडवांटेज कहा जाता है। मैनिपुलेटर ऐसी जगह पर रहना चाहता है जहां वे पावरफुल महसूस करें। वर्क प्लेस सेटिंग में ऐसा लग सकता है कि कोई आदमी इस बात पर जोर देता है कि आप उनसे अपने वर्क प्लेस के बजाय उनके वर्क प्लेस से बात करें। किसी फ्रेंड के साथ वे आपके बजाय अपने घर पर आपसे बात करना चाहेंगे। इसके बारे में सोचें, क्या आप अपने स्थान पर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं? अगली टर्म है लव बॉम्बिंग। क्या आपने पहले लव बॉम्बिंग शब्द सुना है? यह रिश्तों में मैनिपुलेशन का एक रूप है जहां कोई आदमी ग्रैंड गेस्चर्स, टू मच अफेक्शन और बिग प्रोक्लेमेशन ऑफ लव के साथ आप में रोमांटिक रुचि दिखाता है। वे दावा कर सकते हैं कि आप ही उनके सोलमेट हैं और आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। वो आपको ढेर सारे गिफ्ट देंगे और हमेशा आपको टेक्स्ट या कॉल करते हैं। अपने आप में जांच करें, अगर आपको जो लव मिल रहा है वो बहुत जल्दी और बहुत ओवरवेलमिंग है तो वे तुरंत एक कमिटमेंट प्राप्त करने के लिए आप पर लव बॉम्बिंग कर रहे हैं। भयसूचक चिन्ह यह है कि जो कोई आपसे प्यार करता है वह आपकी लिमिटेशन, टाइम और व्यक्तित्व का सम्मान करेगा और बहुत बड़ा और बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। यह बिना किसी गलत इरादे के अनजाने में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह हानिकारक है। लिमिट निर्धारित करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। लव हो या कोई भी रिलेशन हो, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई नया इंसान आपको मिला और बहुत जल्दी वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए कोशिश कर रहा है तो समझिए कि आप पर लव बॉम्बिंग हो रही है। चैप्टर 4, कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। यह चैप्टर विचारों, विश्वासों और धारणाओं के मैनिपुलेशन पर चर्चा करता है। यह किसी की रियलिटी की धारणा को बदलने के लिए गैसलाइटिंग, धोखे और गलत सूचना जैसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण एक कौन आर्टिस्ट हो सकता है जो लोगों को पैसे या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए, धोखा देने के लिए झूठी पहचान का उपयोग करता है। कॉग्निटिव मैनिपुलेशन प्रभाव के एक रूप का वर्णन करता है जिसमें एक आदमी या आदमियों का समूह दूसरे आदमी या ग्रुप्स के सोच के पैटर्न को और बिहेवियर को बदल सकता है। जिन नॉर्मल सिचुएशंस में कॉग्निटिव नियंत्रण की आवश्यकता होती है उनमें शामिल है, एक तरफ आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको फेसबुक चेक करने के लिए अंदर से रोका जा रहा हो, जब आप डाइट पर हो तो आपको फ्रूट खाने के लिए बोला जाए मीठा खाने की जगह, और बच्चों को चिल्लाने की जगह उनको धैर्य के साथ बात करना सिखाना। ये सारी चीजें कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के अंदर आती है। हम कॉग्निटिव मैनिपुलेशन को रेसिपिएंट्स के साइकी पर एक वर्बल और नॉन वर्बल प्रभाव के रूप में डिफाइन करते हैं जो बाद वाले के कुछ मीनिंग्स और ज्ञान को साकार करने में योगदान देता है और उसके सोचने के तरीके और व्यवहार को प्रभावित करता है। स्मोक स्क्रीनिंग, रेड हेरिंग एक ट्रिक है जहां मैनिपुलेटर आपके सामने आने से बचने के लिए एक अलग टॉपिक लाता है, आमतौर पर कुछ ऐसा जो आपने उनकी नज़रों में गलत किया है। यदि आप किसी मैनिपुलेटर के साथ कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं और वे तुरंत टॉपिक बदलना चाहते हैं तो ये एक बड़ा संकेत है कि वे चालाकी कर रहे हैं। किसी को जानना नेचुरली बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पाते हैं कि कोई आदमी अपनी खुद की ज़्यादा जानकारी दिए बिना तुरंत बहुत सारे जाँच पड़ताल वाले प्रश्न आपसे पूछता है तो हो सकता है कि वह एक जानकारी इकट्ठी कर रहा हो और बाद में मैनिपुलेट करने के लिए कमजोरियों की तलाश कर रहा हो। फिर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी नए लोगों को नहीं जानना चाहिए, लेकिन यह आपकी एक साथ हुई कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, पूछताछ नहीं। क्या आपको वह बात याद है जो हमने सीमाएं निर्धारित करने के बारे में पहले की थी? यह बात यहाँ भी लागू होती है। अगर आप उस आदमी को पसंद करते हैं लेकिन आपको उनके प्रश्न थोड़े ज़्यादा लगते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप तुरंत सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हैं
और जब आप तैयार होंगे तो आप उन्हें बताएंगे। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के चारों ओर एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। चैप्टर 5 है मैनिपुलेटिंग इन ग्रुप्स। यह चैप्टर ग्रुप्स की गतिशीलता के भीतर मैनिपुलेशन पर चर्चा करता है और सामाजिक प्रभाव, साथियों के दबाव और सामाजिक मानदंडों में मैनिपुलेशन जैसी रणनीतियों की पड़ताल करता है। एक उदाहरण है कि एक स्पेसिफिक पाथ का लीडर हो सकता है जो अपने फॉलोअर्स में अपनेपन की मजबूत भावना पैदा करके और उनकी मान्यताओं और कामों को नियंत्रित करके मैनिपुलेट कर सकता है। ग्रुप और सामाजिक सामूहिक मैनिपुलेशन कुछ कामों के भीतर किए जाते हैं जिनकी परियोजनाएं सिचुएशनल सेडक्शन और मैसेज लाई को आधार के रूप में उपयोग करती हैं। मैनिपुलेशन संबंधी जुड़ाव के क्षेत्र को पहले सिचुएशनल रूप से व्यवस्थित किया जाता है। फिजिकल रियलिटी का नियंत्रण व्यक्तियों के लाइफ सिनेरियोस पर एक इंडिकेटिव इम्पैक्ट डालता है। यह प्रैक्टिस धर्म, राजनीति और व्यवसाय के लिए आम है और किसी पर्सन, पॉलिसी या प्रोडक्ट के अस्वीकृति या उदासीनता को सुविधाजनक बना सकता है। भीड़ में मैनिपुलेशन की नैतिकता पर आमतौर पर सवाल उठाए जाते हैं। ग्रुप मैनिपुलेशन प्रोपेगेंडा से भिन्न होती है, हालांकि वे डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को फोर्स कर सकते हैं। ग्रुप में मैनिपुलेशन ग्रुप कंट्रोल से भिन्न होता है। स्थानीय अधिकारी ग्रुप को कंट्रोल करने और तीतर बितर करने और दंगे और लूटपाट जैसे अनियंत्रित और गैर कानूनी कामों को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए भीड़ नियंत्रक विधियों का उपयोग करते हैं, जबकि ग्रुप मैनिपुलेशन इससे बिल्कुल अलग होता है। चैप्टर 6 है मैनिपुलेशन इन नेगोशिएशंस। यह चैप्टर नेगोशिएशन सिनेरियोज में आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पर केंद्रित है। ये लाभ प्राप्त करने, बातचीत के नतीजे को प्रभावित करने के लिए एंकरिंग, फ्रेमिंग और इम्प्रेसिव भाषा का उपयोग करने जैसी स्ट्रेटेजी को यूज करता है। उदाहरण के लिए, एक एक्सपर्ट कम्युनिकेटर अपने फेवर में फेवरेबल डील सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस में मैनिपुलेशन कर सकता है। मेरे विचार में मैनिपुलेशन इन नेगोशिएशन बातचीत का एक भाग है। बातचीत की तैयारी और प्लानिंग फेज यह डिसाइड करना कि अब सब कुछ सेट है और जिस तरह से आप बातचीत शुरू करते हैं, शब्दों को चुनना और वो डेटा जिसे आप शेयर करना चाहते हैं या जिसे छिपाना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, जो जानकारी आप प्रदान करते हैं वो सामने वाले आदमी को आपके पक्ष में लाने के लिए हेल्पफुल होती है। किसी चीज, डेटा, आपका बिहेवियर, कोई सेटिंग करना, टाइम, एजेंडा, उसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैनिपुलेट करने के काम को ही मैनिपुलेशन इन नेगोशिएशन कहा जाता है। आखिरी चैप्टर है चैप्टर 7 एथिकल कंसिडरेशन। अंतिम चैप्टर मैनिपुलेशन के एथिकल इम्प्लीकेशंस को संबोधित करता है और रीडर्स और लिसनर्स को इन टेक्निक्स के जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ उपयोग पर विचार करने के लिए कहता है। ये दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते समय एग्रीमेंट, एम्पैथी मतलब सहानुभूति और नुकसान से बचने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि मैनिपुलेशन का शिकार होने से बचने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। मैनिपुलेशन के विषय पर सावधानी से विचार करना और मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजीज का उपयोग करने के संभावित नेगेटिव रिजल्ट्स पर भी विचार करना ज़रूरी है। अगर आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं या आप खुद कहीं मैनिपुलेट हो रहे हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर ज़रूर सोचें। इस बुक समरी में जो भी विचार शेयर किए गए हैं वो लेखक के हैं और जितने भी तरह के मैनिपुलेशन पर लेख हैं वो केवल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए हैं। मैनिपुलेशन वाले बिहेवियर को हम बिल्कुल सपोर्ट या प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो आप अगर इस टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं तो सोच समझ कर यूज़ करें। नुकसान से बचने के लिए इसका अगर उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हमें इस तरह की टेक्निक्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। 4 स्टेजेस ऑफ मैनिपुलेशन। पहला है मूल्यांकन करना। मैनिपुलेट करने वाला जब भी किसी को मैनिपुलेट करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने लक्ष्य की वल्नरेबिलिटीज, वीकनेसेस, डिजायर्स और इंस्पिरेशंस का आकलन करता है। दूसरा पॉइंट है बॉन्डिंग। मैनिपुलेट करने वाला अक्सर फ्रेंडली और सिंपैथी से भरा या ट्रस्टेबल दिखने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य के साथ में एक रिलेशन बना सके। ये ट्रस्ट क्रिएट करता है और अपने एम को प्रभाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है। थर्ड स्टेज आती है मैनिपुलेशन की।
मैनिपुलेशन करने वाला अपने डिजायर्ड रिजल्ट के लिए अपने एम के विचारों, भावनाओं और बिहेवियर में हेरा फेरी कराने के लिए उसको अपराध बोध कराता है। उसको ऐसा फील कराता है कि उसने कोई गलती की है। गैस लाइटिंग की जाती है। गैस लाइटिंग के बारे में मैंने आपको पिछले एक चैप्टर में विस्तार से बताया है। उसको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, चापलूसी करता है या जबरदस्ती जैसी अलग अलग रणनीतियां अपनाता है। फोर्थ स्टेज आती है मेंटेनेंस की। जब मैनिपुलेटर एक बार मैनिपुलेशन के काम में सक्सेसफुल हो जाता है तब उसे अपने मैनिपुलेशन को मेंटेन करना होता है, जिसके लिए वो अपने मैनिपुलेशन को बाहरी प्रभावों से अलग रखता है और अपने एम को मैनिपुलेशन पर बने रहने के लिए डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है। यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि मैनिपुलेशन को आमतौर पर अनैतिक और हानिकारक माना जाता है जब इसका उपयोग दूसरों की सहमति के बिना उनका शोषण करने या उन्हें धोखा देने के लिए किया जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें, ये मानवता के भी खिलाफ है और ये एक एथिकल वैल्यूज के भी खिलाफ है। अंत में द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन रीडर्स और लिसनर्स को सामाजिक इंटरनल कामों में काम करने वाली पावर की गतिशीलता की गहन समझ प्रदान करेगा। मैनिपुलेशन की पेचीदगियों की खोज करके बुक एथिकल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस के महत्व पर जोर देती है। ये रीडर्स और लिसनर्स को अपने नए नॉलेज को जिम्मेदारी पूर्वक और सत्यनिष्ठा के साथ नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंततः पुस्तक व्यक्तियों को आत्मविश्वास, प्रामाणिकता और मानव व्यवहार की गहरी समझ के साथ जटिल सामाजिक परिदृश्यों को नेविगेट करने का अधिकार देती है। तो आपको बुक समरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक स्टोरियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके सहयोग के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आगे भी अगर आपका सहयोग रहा तो इसी तरह से अच्छी अच्छी बुक्स की बुक समरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे एक नई किताब की समरी के साथ। नमस्कार।